हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप देख रहे हैं LST वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, रेगुलर अपडेट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर सेकेंड। और मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, पोटेंशियल के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट सीखने हो तो इस चैनल पे आओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाओ। तो चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं पर भी चले जाएँ, कहीं पर कुछ भी क्लियर करा लें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आने वाला। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है? देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल है, शॉर्ट में समझा दूंगा सब कुछ क्या होता है। देखो, इक्विपोटेंशियल का मतलब हो, जैसे ये चीज़ आप देख रहे हो, इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब, तो यार आप मजाक मत करो, ये तो चीज़ मैंने कई बार करा दिया आपको। इक्विपोटेंशियल और सरफेसेस मतलब सरफेस, एक प्लेन सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस का नाम है, एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है, उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखो जरा, मेरे पास जैसे एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों। इसको मैं लेके गया यहाँ तक, यानी ए पॉइंट तक, और ये आर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको लेके गया, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल है, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, विच इज़ के क्यू बाई में आर। फिर मैं इसको लेके गया ऊपर यहाँ पे, ठीक है, बी पॉइंट पे। यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल अगर मैंने मेजर किया तो ये आया के क्यू बाई में आर। फिर मैं यहाँ लेके गया पोटेंशियल, यहाँ पे भी मैंने मेज़र किया सी पॉइंट पे, यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल मिला के क्यू बाई में आर। फिर मैं इसको नीचे लेके गया इस सरफेस पे, यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल मिला के क्यू बाई में आर। तो बच्चों आपने क्या सीखा, एक चार्ज को राइट साइड की तरफ लेके जाएं, एक चार्ज को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएं, अप लेके जाएं, डाउन लेके जाएं, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी हर जगह, ठीक है। ये तो चार पॉइंट मैंने आपको बताए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बीच में लेके जाऊँ, या फिर यहाँ लेके जाऊँ, या फिर यहाँ लेके जाऊँ, या फिर यहाँ लेके जाऊँ, तो बच्चों इन सरफेसेस को अगर मैं मिला दूँ, जैसे ये सरफेसेस को अगर मैं मिला दूँ, तो मेरे पास एक बीच में एक ऐसा गोला बन जाएगा। इस गोले को बोलेंगे भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ओके। तो ऐसी सरफेसेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तो जस्ट प्लेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हवा में भी लेके जाऊँ, वहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यानी अप की बात कर लो या डाउन की बात कर लो। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, वो भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटर पॉइंट है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि मैं बोल दूँ दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस पे हर पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू सेम होगी। आई बात समझ में? अरे बात आई समझ में बच्चों? जैसे मान लो ये एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे एक दूसरी सरफेस बोल देता हूँ मैं, इट इज़ ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज सेंटर तो सेम है, ठीक है। सेंटर कोई दिक्कत नहीं करेगा, सेंटर से वैल्यू रेडियस की हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और स्फीयर ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ही गोला और ड्रॉ कर दूँ, तो ये भी मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ऐसे ही मैं एक गोला और ड्रॉ कर दूँ तो ये भी मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ऐसे ही और कर दूँ तो ये भी मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और मैं इस लाइन को अगर बढ़ाता ही चला जाऊं तो ये मेरी सारी के सारी जो सरफेसेस दिख रही हैं वो सारी के सारी क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स। आई बस मैं जस्ट सरफेसेस वर्ड हटा दिया हमने, क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल्स, यानी कि इक्वी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्विपोटेंशियल्स।
ये सारे के सारे, या आप इसको कह लो या फिर 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 इसको कह लो, इस सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? इक्विपोटेंशियल्स होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होंगी, इक्विपोटेंशियल्स होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल 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 है। तो सारी की सारी सरफेसेस क्या हैं? इक्विपोटेंशियल्स हैं। अगर और इस ये मान लो बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ निकलता है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। अगर आप यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ ई, क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का एंगल आप देखना चाहो तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। आप कहीं से भी देख लो, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये एंगल किस किस के बीच का एंगल है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल है। ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और मैं एक चार्ज को यहाँ से लेके, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने। तो भैया अब क्वेश्चन ये बनता है कि उस चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क मैंने किया, कितना वर्क किया। तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल कितना है, वी ए। यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, वी बी। मैं ए पॉइंट से चल रहा हूँ और बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई में क्यू, क्यू चार्ज को लेके गया। तो क्या आप बता सकते हो वी ए किसके बराबर होगा यहाँ पे? वी बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। क्या सेम रहती है? पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि एक ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो इट मीन्स वी ए किसके बराबर हो जाएगा? वी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वी ए माइनस वी ए कर सकता हूँ? अरे कर सकता हूँ, बोलो जल्दी बोलो भाई। और वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई में क्यू, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डब्ल्यू ए बी, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी ज़ीरो हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? इट मीन्स क्या पता चला कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, तो बच्चों मेरा वर्क डन ज़ीरो होता है, बिकॉज हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगा। आई बात समझ में? डिस्टेंस सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो सेम हो तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। आप यहाँ से लेके यहाँ मूव कर लो, आप यहाँ से लेके यहाँ मूव कर लो, आप यहाँ से लेके यहाँ मूव कर लो, सभी पे वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। और क्या आएगी? ज़ीरो, ये ज़ीरो आएगी। आई बात समझ में? दिस इज इक्वी वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, कीप वॉचिंग LST वीडियो, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने देश से प्यार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।